यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC अनाउंस द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन CSE 2022 रिजल्ट्स अमंग द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स मोहम्मद बुरहान जमान स्टूडेंट ऑफ MSIS एकेडमी हैदराबाद हैज अचीव्ड एन ऑल इंडिया रैंक 768. मोहम्मद बुरहान जमान हु हेल्स फ्रॉम कोलकाता इज द थर्ड स्टूडेंट ऑफ MSIS एकेडमी हु क्लियर्ड द UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इन द पास्ट 3 ईयर्स. UPSC ने जो नतीजे जारी किए उसमें MSIS एकेडमी के मोहम्मद बुरहान जमान को 768वां रैंक हासिल हुआ. इस सिलसिले में आज MS एकेडमी की जानिब से तहनीती तकरीब हुई जिसमें बुरहान जमान की गुलपोशी की गई और उनके वालिदैन को भी तहनीत पेश की गई. देखिए इस मौके पर MS एकेडमी के चेयरमैन लतीफ़ मोहम्मद ख़ान और स्टूडेंट बुरहान जमान का. जी मैं नए दूसरे बच्चों को और जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि UPSC में कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है. उसके बिना ये चीज़ें हासिल करना काफ़ी मुश्किल है. उसके अलावा जो नतायज होते हैं उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये चीज़ें वक्त लेती हैं और वो अपने वक्त पे जो फल है वो रूनुमा होता है वो आपको हासिल होता है. और जो बच्चे हैं जो अपने स्कूल्स में हैं कॉलेजेस में हैं उनसे ये मेरी नसीहत होगी कि अर्ली स्टार्ट वो अगर करना चाहते तो ये बेहतरीन उनका फैसला होगा जिसके वजह से आगे जाकर UPSC में अपीयर करना और UPSC में कामयाबी उन UPSC के एग्ज़ाम की नौइयत नेचर जो है वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से वो समझ सकते हैं और उसमें कामयाबी में उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं. शुक्रिया. जी UPSC के इंटरव्यू जो है वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स पर मुश्तमिल होती है. ये कंबाइंड मार्क्स आता तो मेंस में कुछ मार्क्स हमारे कम हो रहे थे जिसकी वजह से जो एग्रीगेट क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो कट ऑफ मार्क्स से शॉर्ट हो रहा था. तो इस दफ़ा उसमें इंक्रीमेंट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. तीनों साल में इंक्रीमेंट ही हुआ है तो उसके बिना पर कट ऑफ क्लियर करके लिस्ट में नाम आया है. मेरे तीन सवाल हैं. एक जब सवाल किया गया तो दिलचस्प सवाल कौन सा रहा? इंटरव्यू. जी सबसे दिलचस्प बात ये पूछे कि UPSC क्यों करना चाहते हैं, वो क्या चीज़ है आपको जो UPSC की तरफ माइल थी. तो उसका जवाब मेरा ये था कि मैं एक एरोस्पेस इंजीनियर हूँ जो और मुझे ख्वाहिश भी थी कि हायर स्टडीज़ के लिए MTech या PhD करना और उस चीज़ पर रिसर्च करना वो भी एक दिली ख्वाहिश थी. लेकिन जब करियर चॉइस को चुनने की बात आई तो दो रास्ते थे मेरे पास कि एक तो है कि मैं अपने फील्ड तक अपने आप को महदूद कर लूं जो कि एरोस्पेस का है और दूसरी मेरे पास ये थी कि मैं समाज को माशरे को वापस दूं और समाज के साथ जुड़ कर वहाँ पे कुछ अपना ताउन करूं. तो मुझे ये बेहतर लगा और इसलिए मैंने UPSC को चुना. उसकी फितरत उसकी कोशिश से ये अल्लाह से उम्मीद थी कि इंशाल्लाह एक दिन कोई बड़ा एग्ज़ाम निकाल सकता है. UPSC तो हम लोग के माशरे में बहुत कम समझ आता था. ये मगरब बंगाल में पहली बार अपने मुस्लिम बच्चे ने एक ट्रैक किया है और इस वजह से पूरे मोहल्ले में काफ़ी खुशी का माहौल था. लोग ये भी जानते थे कि क्या एग्ज़ाम है लेकिन वहाँ की औरतें ख़ास तौर से जो लोग न जानती थी ये पता चला कि ये बहुत बड़ा एग्ज़ाम निकाला है. ये अच्छी बात है. भी कोई एग्ज़ाम का रिजल्ट आने वाला होता है तो मेरा टेंशन ज़्यादा होता है कि पता नहीं अब क्या आएगा क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन के साथ हम लोग बैठे रहते हैं कि अब के हमको ये मार्क्स आएंगे, अब के हमको इतने सीट आएंगे, अब के हमको ये रैंक आएगा, अब के हमको कोई ना कोई जो है ना बड़ा अचीवमेंट हासिल होने वाला है. जब हमारा ये सिचुएशन रहता है और रिजल्ट आने वाला रहता है और हर करीब हर लम्हा वो जैसे जैसे करीब आते जाता है. जैसे कोई कहते कि भाई 11 बजे रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है तो 11 बजे से कान खड़े हो जाते हैं, निगाहें जो है ना पूरे सिस्टम पे और हमारी पूरी टीम के ऊपर लगी हुई रहती है कि अब कहाँ से कौन सी न्यूज़ आएंगी. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस साल के खास तौर पर वैसे पिछले सालों में भी हर वक्त बहुत अच्छे रैंक्स आए, इस साल के हर रिजल्ट जब भी आए उसमें अल्लाह ने तवक्कुआत से ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई है. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. उम्मीद है कि अल्लाह की ज़ात से ये नंबर्स हर साल बढ़ते रहेंगे.